दोस्तों, दिल्ली में अक्सर सुना जाता है कि कोई भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं वह किसी न किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं टूरिस्ट के लिए सबसे सरल तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरे दिल्ली को आसानी से घूम सकें और किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूट विद भारद्वाज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप दिल्ली घूमना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कम से कम पैसे में दिल्ली को पूरी तरह से घूम सकते हैं और किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10 ऐसे टूरिस्ट प्लेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि दिल्ली में काफ़ी फेमस है। टूरिस्ट प्लेस की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जितने भी टूरिस्ट प्लेस के बारे में आपको बताऊँगा उसमें वहाँ के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप आदि सम्मिलित हैं। अगर आप एक दिन या 3 दिन के लिए पूरी दिल्ली घूमना चाहते हैं, मेट्रो कार्ड जरूर बनवा लें, जो कि एक दिन के लिए 200 रुपये और 3 दिन के लिए 500 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, जिसमें आप अनलिमिटेड मेट्रो की राइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कालका जी माता मंदिर का है। वह नाम मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा कि किसी भी दिन की शुरुआत अगर माता रानी के दर्शन से किया जाए तो आपका पूरा दिन शुभ बीतता है। दोस्तों, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और यहाँ माता काली की पूजा की जाती है, और मंदिर की टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक रहती है। और बात की जाए दोस्तों नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की, तो वो वॉयलेट लाइन पर कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से उतरते ही आपको 50 या 100 मीटर की दूरी पर कालका जी मंदिर की लाइन जो है वो दिखाई देगी। यदि आप सुबह 6 से 7 बजे तक आ जाते हैं तो आप मात्र 1 घंटे में ही माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन करने के लिए दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। ध्यान रखिए, बाहर काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जो 100 रुपये से 500 रुपये लेकर आपको माता रानी के दर्शन करने की बात कहेंगे। आप उनसे बचिएगा, क्योंकि वह लोग पैसा लेने के बाद भाग जाते हैं और आपको मिलेंगे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और वहाँ किसी भी दर्शन करने के लिए किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा स्थान लोटस टेम्पल का है, जो माता कालका मंदिर के सामने ही है। बात की जाए दोस्तों लोटस टेम्पल की टाइमिंग की, तो वह सुबह 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक रहती है। ये ध्यान रखिएगा कि लोटस टेम्पल जो है वह मंडे को बंद रहता है। लोटस टेम्पल के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, और हाँ, लोटस टेम्पल के अंदर कोई भी पैकेट बंद सामान ले जाना सख्त मना है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बैग आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का पैकेट बंद खाद्य सामान ना हो। और यहाँ के पैदल मार्ग पर पेड़ का अभाव होने के कारण लोटस टेम्पल को मैं सुबह में विजिट करने के लिए लिस्ट में रखा हूँ। का ध्यान रखें कि कालका जी मंदिर और लोटस टेम्पल दोनों ही स्थान मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो यहाँ आने के लिए आपको कोई भी ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही आ सकते हैं। लोटस टेम्पल में आप लोटस टेम्पल के साथ साथ म्यूजियम भी देख सकते हैं, जो कि निःशुल्क है, जिसमें आप लोटस टेम्पल के निर्माण से संबंधित जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा टूरिस्ट प्लेस हमने लिया है वह है लाल किला। दोस्तों, लाल किला को तीसरे नंबर पर रखने का कारण यह है कि लाल किला जो है सुबह में 9:30 बजे खुलता है, जिसके वजह से आपका समय बर्बाद ना हो। इसी कारण से लाल किला को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है, ताकि आप सुबह 9:30 या 10 बजे तक लोटस टेम्पल और कालका जी मंदिर दोनों घूम लें। और दोस्तों, बात की जाए लाल किला पहुँचने के लिए, तो यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वह वॉयलेट लाइन पर लाल किला मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से आप गेट नंबर 4 से बाहर जैसे निकलेंगे, सामने आपको लाल किला दिखाई देगा। और दोस्तों, बात की जाए लाल किला के टिकट की, तो इसकी टिकट ऑफलाइन लेने पर 50 रुपये और ऑनलाइन लेने पर 35 रुपये की पड़ती है। यदि आप लाल किला के साथ साथ लाल किला का म्यूजियम भी देखना चाहते हैं, तो वह टिकट दोनों का जो है वो 80 रुपये का पड़ेगा। 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रवेश लाल किला में निःशुल्क है। तो दोस्तों, लाल किला घूमने के लिए कम से कम अगर आप केवल लाल किला देखते हैं तो 1 घंटे लग जाएंगे, और यदि अगर आप म्यूजियम भी घूमेंगे तो आराम से 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। और हाँ दोस्तों, लाल किला भी मंडे को क्लोज रहता है। दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने जो चौथे स्थान को रखा है वह है राजघाट, और यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगी वह दिल्ली गेट है, और वहाँ से राजघाट की दूरी 1.2 किलोमीटर की है। तो आप बस ले सकते हैं, या आपको ऑटो भी मिल जाएगी जो आपसे 10 रुपये या 20 रुपये लेंगे। और बात की जाए दोस्तों नज़दीकी बस स्टॉप के लिए, तो राजघाट के लिए जो नज़दीकी बस स्टॉप पड़ता है वह है राजघाट। बिल्कुल राजघाट बस स्टॉप के सामने ही आपको राजघाट का गेट देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, राजघाट की जो टाइमिंग रहती है वह सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक रहती है। राजघाट के पास में ही आप तीनों स्थानों को घूम सकते हैं, पहला तो राजघाट, दूसरा शांतिवन, तीसरा विजय घाट। यह तीनों स्थान का रास्ता अंदर से ही है जाने के लिए,
तो आप राजघाट से एंट्री करते ही यह तीनों स्थान को घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको महात्मा गांधी की समाधि स्थल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल, साथ ही साथ बहुत सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समाधि स्थल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पूरे राजघाट को घूमना चाहते हैं, मतलब विजय घाट, शांतिवन और राजघाट, तो आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का खाद्य सामान ले जाना मना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पांचवा स्थान है वह है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसे आप दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। बात की जाए यहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वह ब्लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा या आप बस भी ले सकते हैं। बात की जाए दोस्तों बस के फेयर की, तो वह 10 रुपये के किराए लेते हैं और आपको चिड़ियाघर तक आसानी से पहुँचा देंगे। और दोस्तों, इसका जो टिकट है वो केवल ऑनलाइन ही मिलेगा, यहाँ पे ऑफलाइन काउंटर नहीं होते हैं। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट नेशनल जूलॉजिकल पार्क से टिकट ले सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ के टिकट प्राइसिंग के लिए, तो यहाँ की टिकट प्राइसिंग रहती है जो वयस्क हैं उनके लिए 80 रुपये, और 5 वर्ष से 12 वर्ष और सीनियर सिटीजन के लिए 40 रुपये की शुल्क लगती है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। और दोस्तों, यहाँ की जो टाइमिंग रहती है वह सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक की रहती है, और ये चिड़ियाघर फ्राइडे को बंद रहता है। बात की जाए यहाँ सही समय आने के लिए, तो गर्मियों के समय में आप सुबह सुबह आ सकते हैं, वरना धूप होने के बाद जानवर जो हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। और सर्दियों के समय में आप दोपहर में आ सकते हैं, उस समय आप काफ़ी सारे जानवर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली के प्रमुख छठवें स्थान की, तो वह है कुतुब मीनार। और छठवें स्थान पर कुतुब मीनार रखने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पे आप शाम को आसानी से घूम सकते हैं, दिन के समय में धूप काफ़ी रहती है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वह है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पे पड़ती है, और वहाँ से कुतुब मीनार की डिस्टेंस तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास की है। तो आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर से ही ऑटो मिल जाएंगे, जो 10 रुपये या 20 रुपये प्रत्येक सवारी लेते हैं और आपको कुतुब मीनार के गेट के पास पहुंचा देंगे। बाहर ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां से आप टिकट ले लीजिएगा। और दोस्तों, बात की जाए टिकट के प्राइसिंग के लिए, तो ऑनलाइन टिकट 35 रुपये की है वयस्क के लिए, और ऑफलाइन टिकट 40 रुपये की पड़ेगी। और दोस्तों, बात की जाए कुतुब मीनार के टाइमिंग की, तो वह सुबह में 7 बजे से शाम को 8 बजे तक रहती है। शाम को यहाँ पर आपको कुतुब मीनार के ऊपर प्रोजेक्टर की काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी, इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि शाम को ही यहाँ पर आएँ। दोस्तों, इस लिस्ट में सातवें स्थान पर जो टूरिस्ट प्लेस है वह एक मंदिर है, जिसे छतरपुर मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर आदि कात्यायनी माता का मंदिर है। दोस्तों, यह कुतुब मीनार से एक स्टेशन आगे गुड़गांव की तरफ आने पर पड़ता है। यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वह है छतरपुर, और वहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पर मंदिर है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ओवरब्रिज रोड क्रॉस करने के लिए मिल जाएगा। रोड क्रॉस करने के बाद काफ़ी सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे, जो कुछ पैसे में आपको मंदिर तक पहुँचाने की बात कहेंगे, परंतु मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो दोस्तों आप पैदल भी आ सकते हैं। और बात की जाए दोस्तों यहाँ के टाइमिंग के लिए, तो छतरपुर मंदिर की जो टाइमिंग है वह सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहती है। पर आपको 3 मंदिर घूमने के लिए मिलेंगे, पहला माँ आदि कात्यायनी मंदिर, दूसरा लक्ष्मी विनायक मंदिर जो कि आदि कात्यायनी माता मंदिर के बगल में ही है, और जो तीसरा है वह नागपाल बाबा की समाधि स्थल है। दोस्तों, नागपाल बाबा के समाधि स्थल पास आप जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़े से बजरंगबली की प्रतिमा को देखने के लिए मिलेगी, और मंदिर के अंदर समाधि स्थल के आसपास बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क हैं, जो शाम के समय काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ सभी लाइट ऑन रहती है और ठंडक भी रहती है, शाम के समय यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें स्थान पर जो प्लेस मैंने रखा हुआ है वह है इंडिया गेट, और इसे संध्या में रखने का कारण यह है क्योंकि यहाँ शाम में ज़्यादा भीड़ होती है। 4 बजे के आसपास आप यहाँ आ जाइएगा। यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो केंद्रीय सचिवालय, जिसे सेंट्रल सेक्रेटरीट के भी नाम से जानते हैं, ये येलो लाइन पे पड़ता है। वहाँ से गेट नंबर 3 से बाहर निकलते ही जो कर्तव्य पथ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ भी ऑटो वाले आपसे इंडिया गेट तक पहुँचाने के लिए बोलेंगे, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है आप, क्योंकि कर्तव्य पथ से होते हुए अगर आप इंडिया गेट तक जाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा। आसपास पेड़ पौधे भी लगे हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घास के मैदान हैं जहाँ आप बैठ सकते हैं और नहर का आनंद भी ले सकते हैं। बिल्कुल सामने आपको राष्ट्रपति भवन देखने के लिए मिलेगा, और कर्तव्य पथ से आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएंगे सामने ही आपको इंडिया गेट देखने के लिए मिलेगा। इंडिया गेट देखने के बाद आप वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाइए तो आपको नेशनल वॉर मेमोरियल देखने के लिए मिलेगा, और यहां पर आपको जितने भी शहीद सैनिक हैं उनके नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, और शाम को यहां पर परेड भी होती है, तो इस परेड को देखना ना भूलिएगा।
दोस्तों इस लिस्ट में 9वां स्थान हमने जो रखा है वो बहुत ही खूबसूरत स्थान है और उसका नाम है अक्षरधाम मंदिर। बात की जाए दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वह ब्लू लाइन पर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही मेट्रो के बगल से एक रास्ता जाता है जो सीधा मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ भी गेट के बाहर आपको ऑटो वाले मिलेंगे जो आपको मंदिर तक पहुँचाने की बात कहेंगे और 10 रुपये प्रत्येक सवारी मांगेंगे, परंतु मंदिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जिसके लिए आपको ऑटो की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप मुश्किल से 5 मिनट पैदल चलेंगे, सामने आपको मंदिर दिखाई देगा। क्योंकि रास्ता वहाँ से मुड़ा हुआ है इसलिए लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से अक्षरधाम मंदिर जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, मंदिर वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने पर रोक है, तो बाहर ही आपको लॉकर रूम मिल जाएगा जो निःशुल्क है। वहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन कैमरा वगैरह जमा कर सकते हैं, पर्स और पैसे लेकर आप अंदर जा सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पहुँचने का सही समय क्या है, तो यहाँ आप अगर गर्मियों में आते हैं तो शाम को आइएगा, क्योंकि मंदिर तक जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है तो धूप काफ़ी तेज़ लगती है, जिससे आप मंदिर अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, पैर में काफ़ी जलन होगी। और अगर आप शाम को आते हैं तो यहाँ बहुत खूबसूरत लाइटिंग, ठंडी ठंडी हवाएं मिल जाएंगी, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर के आसपास सारा स्थान खुला हुआ है इसलिए शाम को ठंडी ठंडी हवा चलती है जो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको गार्डन वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मंदिर के रास्ते में कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। अगर आप सर दोस्तों इस लिस्ट में जो 10वां स्थान मैंने रखा है वह है नेशनल रेल म्यूजियम। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वह है पिंक लाइन पर सर एम विश्वेश्वरैया मोतीबाग। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी नेशनल रेल म्यूजियम के लिए, आप बस से भी आ सकते हैं, नज़दीकी बस स्टॉप है रेल म्यूजियम। 50 रुपये की टिकट है और बच्चों के लिए 20 रुपये की टिकट रहती है। दोस्तों वहाँ से 200 मीटर की पैदल वॉक है म्यूजियम की। इस म्यूजियम में आपको काफ़ी पुराने समय के रेल इंजन और बोगियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि काफ़ी एंटिक चीज़ें हैं। और दोस्तों बात की जाए म्यूजियम के एंट्री टिकट की, तो वह व्यस्क के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये है। साथ ही साथ इस म्यूजियम के अंदर ट्रेन राइड भी है जो एडल्ट के लिए 50 रुपये की टिकट है और बच्चों के लिए 20 रुपये की टिकट रहती है दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है जिसके अंदर आपको रेलवे के काफ़ी सारे पुराने सामान देखने के लिए मिल जाएंगे। म्यूजियम की जो टाइमिंग है वह सुबह 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक रहती है, और ये म्यूजियम भी सोमवार को बंद रहता है। दोस्तों ये तो थे कुछ टूरिस्ट प्लेस जो दिल्ली के जो आप घूम सकते हैं। वैसे दिल्ली में घूमने लायक बहुत सारी जगह है जिसे घूमने के लिए 2 से 4 दिन भी कम पड़ जाएंगे, उसका भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द डालूंगा कि आप दिल्ली के किन किन टूरिस्ट प्लेस को घूम सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। और वहां के लिए जो नजदीकी मेट्रो स्टेशन क्या पड़ेगी, टिकट प्राइस क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।